बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बेसिकली हम देखने लगे हैं कैसे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट चूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरह हम उसके ओपन करते हैं प्रॉपर अपने एडजस्टमेंट के लिए, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम किस तरह एक सॉफ्टवेयर को एक चूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आप इधर सेव्ड हैं जो रिसेंट मैंने इधर यूज़ किए, ये तो रिसेंट में आ रहे हैं लेकिन सेव आप इधर कर सकते हैं, ठीक है अपने। तो अगर आपने एक पिक्चर के लिए यूज़ करना है लैंडस्केप, ठीक है, पोर्ट्रेट, ये इसके मुताबिक इधर सारी हाइट विड्थ इंचेस में चेंज होती जाएगी, ठीक है, इसके कलर वगैरह, इसका साइड साइज़। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंटिंग में लेटर, मतलब ये जो लेटर साइज होता है या A4 जो पेज होता है बेसिकली ये यूज़ होता है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये इसके हाइट रेजोल्यूशन ये है, ठीक है, पिक्सल पर इंच है, ठीक है, ये RGB यूज़ होता है। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए अगर हम देखें तो ये डॉक्यूमेंट है जो कि बेसिकली ये पोस्टर डिज़ाइन करने के पोस्टर के लिए ये यूज़ होगा। अगर ग्रेडिंग के लिए हमने ये देखना है, उसके बाद अगर हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर पोस्ट कार्ड देखना है हमने, पोस्टर जो इस पोस्ट अपलोड की जाती है इंस्टा फेसबुक, वो कार्ड डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ये फ्रेम यूज़ होगा, ठीक है, मतलब ये डॉक्यूमेंट साइज़ ये है, ठीक है। उसके बाद अगर वेबसाइट का आप एक बना रहे हैं पूरा डिज़ाइन, ठीक है, तो उसके लिए आपने वेब लार्ज या वेब मीडियम वेब पेज की तरह के आपने आर्टबोर्ड चूज़ करने हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो बेसिकली पिक्सल्स ओनली पिक्सल यूज़ होता है, ठीक है, वेब के लिए, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसके बाद मोबाइल में आप आईफोन, ये डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, ठीक है, आईफोन, OS, मैक्स, लेगेसी, माइक्रोसॉफ्ट जो सरफेस है वो, एंड्रॉयड ऐप, ये आपका जो एंड्रॉयड ऐप होते हैं, ये आईफोन 7, 6 प्लस, आईफोन 10 प्रो, इसका ये सब जितने डिज़ाइन हैं ये सारे ऑटोमेटिकली इधर इनकी हाइट फिट चेंज होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक फिल्म या वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब का HD या फिर ये, ठीक है, ये सारे इधर साइजेस मौजूद हैं, ठीक है, DCI, ठीक है, ये सारे। तो अभी हम बेसिकली एक वेब का यूज़ करेंगे, ठीक है, इसे चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली रेजोल्यूशन ये ऑटोमेटिकली 72 इसका फेच कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप इधर 300 या 200 यूज़ करें, ठीक है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी, ठीक है। तो अभी हम इसे अपना वेब डिज़ाइन, ठीक है, ये इसे रखेंगे। अभी हम अगर इसे ये पिक्सल में रहेगी, वेबसाइट का बेसिकली लैंडस्केप होती है, क्योंकि लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पिक्सल पर या कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड जो आपका कैनवस होगा उसका बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं आप, इधर से कलर चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे वाइट रहने दूंगा अभी। उसके बाद आर्टबोर्ड, ठीक है, ये इसका एक पीछे आर्टबोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। आर्टबोर्ड बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आर्टबोर्ड। उसके बाद अगर आप ये डिज़ाइन आपको पसंद आ गया, आप इसे ये देखें, डोंट कलर मैनेज, ठीक है, स्क्वायर पिक्सल इसमें यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इसे आप सेव करना चाहते हैं इसे, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपने बेसिकली इसे देना है वेब डिज़ाइन नेम देना है इसका, और ये सारी सेटिंग आपने सेव कर लेनी है, ठीक है, ये सारी सेटिंग ये प्रीसेट में जाके सेव हो गया, ठीक है, ये सेव्ड में आ गया है। बेसिकली सेव्ड में विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड को मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं पहले उन पर मैंने वर्क किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह आप इधर वेब इसे अगर आप ये देखें, इधर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये वेब डिज़ाइन है, तो अभी हम इसे क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली हमने सीखा कि हम कैसे एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं, ये आर्ट बोर्ड है, ठीक है, इधर ये दिखा रहा है आर्ट बोर्ड। अगर हम उस वक्त उसे आर्ट बोर्ड ना क्लिक करते तो ये नहीं था होना, ठीक है, ये देखिएगा, ये सेव्ड पे गए, वेब डिज़ाइन ओपन किया, ये आर्ट बोर्ड है, इसे हमने क्लिक नहीं करना, ठीक है, ये हम इसे क्रिएट कर लेंगे। ये बेसिकली एक आर्ट बोर्ड नहीं बना, ठीक है,
ये जो पहला वाला पाथ था वो दोबारा ओपन हो गया। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने सीखा है कि कैसे हम एक नई फाइल के डॉक्यूमेंट को साइज दे सकते हैं, उसके लिए कौन सा साइज़ हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एक प्रिंटिंग के लिए करना है तो हमने कौन सा यूज़ करना है, A4 साइज़। ठीक है, तो अगर वेबसाइट के लिए करना है तो वो, अगर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर, अगर आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप ये वाला साइज़ चूज़ करें, 3.2 उसकी, 5 उसकी विड्थ रखें, 2 उसकी हाइट रखें। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 रखें पिक्सल पर इंच और इंचज़ में। ठीक है, वेब जो वेब का पेज होता है उसे हम पिक्सल में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसे आप इंचज़ में रखना। ठीक है, उसके लिए आपने RGB यूज़ किया होता है, ठीक है, लेकिन जो होता है बिजनेस कार्ड उसमें आपने सयान, मजेंटा, येलो और ब्लैक यूज़ करने कलर, ठीक है, CMYK के RGB नहीं यूज़ करना। ठीक है, आप कलर जो बैकग्राउंड जो मर्जी रखते हैं। ये देखिएगा ये क्रिएट हो गया, इसके ऊपर आप अभी अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।